अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज की इस लेक्चर के अंदर मैं आपको एक रियल टाइम कम्युनिकेशन दिखाऊंगा अपनी एक क्लाइंट के साथ, जिसे बेसिकली एक लॉजिस्टिक्स की वेबसाइट चाहिए थी और मैंने उसको एक लॉजिस्टिक्स की वेबसाइट डिज़ाइन करके दी थी। तो चलें चलते हैं उसके साथ मैंने किस तरह से कम्युनिकेशन की, किस तरह से उसने मुझे हायर किया, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पे देखें, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये मैंने प्रपोजल उसको ऐड किया था, जैसा योर करंट वेबसाइट एंड इट्स वेरी बेसिक, आई कैन डिज़ाइन वंडरफुल अपीलिंग एंड फास्ट लोडिंग वेबसाइट फॉर रियल लॉजिस्टिक्स कंपनी, आई हैव सम डिज़ाइन टू रेलिवेंट, प्लीज़ चेक द बिलो। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो दे दी, यहाँ पे मैंने कुछ और कॉल टू एक्शन कुछ इस तरह से दे दिए, यहाँ पे मैंने बता दिया कि मैं ये टाइम के लिए रेलिवेंट अवेलेबल हूँ, और मतलब ये सारी चीज़ें मैंने उसी तरह से जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था, अकॉर्डिंग टू द जॉब मैंने उस प्रपोजल को मॉडिफाई किया और उसके अंदर वो सारी चीज़ें ऐड की। उसके बाद इस क्लाइंट का रिप्लाई आया, आई लाइक वट यू हैव सेंट मी, आई वॉन्टेड टू सी दिस टेम्पलेट्स कैन एडिशनल पेजेज एंड वट एवर। मैंने कहा हेलो सर, मैंने फ़ौरन से रिप्लाई किया, इसका मतलब ये है कि मैं अवेलेबल हूँ उसी टाइम। जैसे उसका रिस्पॉन्स आया 1:32 पे उसका रिस्पॉन्स आया रात को, और 1:32 पे मैंने उसको रिस्पॉन्स किया, इसका मतलब ये है कि आपको ऑनलाइन रहना है और क्विक रहना है। अगर मैं इसको रिप्लाई ना करता तो ऑब्वियसली बात है कोई और फ्रीलांसर इसको रिप्लाई कर देता और ये उसको हायर कर लेता ऑब्वियसली। येस डेफिनेटली एक्जैक्टली अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, चेंज कलर टाइपोग्राफी एंड न्यू सेक्शन, डिलीट एनी सेक्शन, एड एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी एक्सेट्रा, इफ यू वॉन्ट आई कैन शो यू डेमो एज वेल। यहाँ पर मैंने क्विकली उसको बताया कि यार मैं ये सारी चीज़ें करने के काबिल हूँ, आप बताएं क्या करना है। तो आई एम गोइंग टू गिव यू द जॉब, फ़ौरन उसने कहा, और बाकी सारी चीज़ें उसने छोड़ दी। बट प्लीज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी गेट दिस राइट, थैंक्स, लेट्स प्रोसीड देन फॉर एन अमेजिंग वेबसाइट। It's 11 PM in London. I will accept the job for you. Let's pick up the morning fresh. मैंने कहा no worries. My promise, I will work till you or your team satisfaction. उसने कहा okay, thanks. Some of the demos you sent me are good templates. I mean, thank you so much, sir. उसने यहाँ पे ये उस मेरे proposal के अंदर से ये जो demo है वो select कर लिया। मैंने कहा okay. So you can start with the contract and remaining requirement. But I need to start. Will send you. Whenever you free, you can send me the credential. I will start. उसने कहा माई ट्रबल, ऑल फाइव ऑफ दिस टेम्पलेट्स आर गुड, मतलब जो मैंने टेम्पलेट उसको सेंड की थी वो सारी अच्छी हैं, तो दिस पेज यू विल सी डज नॉट अपेयर ऑन द वेबसाइट, दिस इज पेज इज नॉट पब्लिक नीड, मतलब यहाँ से मेरी कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई। सो वट आई हैव टू डू सर, मतलब मेरी उसके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन इंस्टेंट, कहीं पर मैंने डिले नहीं किया। ठीक है, यस आई विल करंट वन, और यहाँ पे मैंने कुछ We can discuss tomorrow. Do you want to be paid per hour or you want to full project? As you feel comfortable. बिल यानी मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा कि मुझे पर आवर $25 दो, मुझे फिक्स जॉब पे हायर कर लो $1,000 पे, $2,000 पे, नथिंग। जस्ट मैंने उसको कहा कि जो आपको सूटेबल लगा उसके मुताबिक मुझसे बता दो। उसने फिर से मुझसे पूछा कि हाउ यू प्रेफर, आवरली वुड बी गुड फॉर बोथ ऑफ अस। मैंने कहा आवरली ठीक है। उसने कहा ओके, इफ़ यू कीप डू गुड वी कम्प्लीट विद द मंथ, इफ आई विल गिव यू एक्स्ट्रा मनी। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि विद इन अ मंथ, इसका मतलब ये है कि क्लाइंट एक मंथ के लिए मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक मंथ जो है वो इस प्रोजेक्ट पे काम चलेगा। इसका मतलब ये है कि एक मंथ मुझे काम करना है, एवरी वीक 40 आवर्स मुझे काम करना है। अगर मैं $10 पर आवर भी चार्ज करूँ, यू कैन इमेजिन हाउ मच मनी कैन आई मेक फ्रॉम अ सिंगल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, वी विल मैन ऑटोमेटिकली गुड परफेक्ट, लेट मी स्टार्ट, यस प्लीज, बेस्ड ऑन इनिशियल डिस्क्रिप्शन व्हाट वुड बी टाइम फ्रेम विल टेक, आई डोंट थिंक इट विल टेक अ मंथ एज वी हैव अ टेम्पलेट बट यू कैन। मैंने कहा 3 से 4 वीक मैक्सिमम, टोटली डिपेंड अपॉन हाउ यू विल रिस्पॉन्स मी, और ये सारी चीज़ें, और मैंने कुछ और चीज़ें भी इसको बता दी कि ये वाली सारी चीज़ें भी मैं इसके अंदर ऐड करके दूंगा, तो एक मंथ इनफ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसने मुझे हायर कर लिया ये सारी चीज़ें $15 पर आवर पे, और 40 आवर पर वीक इसने मुझे पे किया। तो इसका मतलब ये है कि एक वीक में 40 घंटे मैंने चलाए, तो 160 घंटे का टोटल प्रोजेक्ट मैंने किया $15 पर आवर के हिसाब से। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 160, तो मैंने $2,400 इस एक सिंगल क्लाइंट से कमाए, सिंपल इसकी बेसिक सी वेबसाइट डिज़ाइन करके दी मैंने 5 से 6 पेजेस की, राइट। तो यहाँ पे देखें हम, फिर आगे हमारी कम्युनिकेशन चलती गई। तो यहाँ पे देखें इस पूरे क्लाइंट की मैं आपको डिटेल दिखा रहा हूँ,
यहाँ पे देखें सी मोर, सॉरी टाइम शीट पे अगर मैं जाऊँ तो सिंस स्टार्ट 159 160 घंटे जो मैंने बताया था आपको 160 घंटे, वो $2400 सिर्फ एक सिंगल क्लाइंट से मैंने अर्न किए एक बेसिक सी वेबसाइट इसकी डिज़ाइन करके देखिए। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और चीज़ों को एनालाइज करके कम्युनिकेट करना कितना इंपॉर्टेंट है। जब उसने कहा क्लाइंट ने कि अ मंथ, इसका मतलब मुझे साफ समझ आ गया कि इस क्लाइंट का जो माइंड सेट है वो एक मंथ ये आराम से मुझे दे देगा। इसका मतलब ये है कि एक मंथ मेरे लिए बहुत काफ़ी है और मैं अच्छी खासी इनकम इससे जनरेट कर सकता हूँ, और उसी मुताबिक मैंने उसको कोड दी। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से ये सारी चीज़ें काम करती हैं और कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।